मैं डॉक्टर अमित शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज ये 10 से 15 मिनट का वीडियो मैं उन बच्चों के लिए स्पेशली बना रहा हूं जिन्होंने अभी अभी 18 साल की आयु को पूरी किया है और साथ में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, चाहे उन्होंने 2019 में या 20 में कम्प्लीट किया है। जिन बच्चों ने 19 में कम्प्लीट किया होगा वो ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में होंगे और जिन्होंने 20 में कम्प्लीट किया है वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में होंगे। तो स्पेशली ये उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो है और वही बच्चे इसको देखें। हाँ, अब क्यों इनके बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया गया, तो अगर आप में से जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उनके लिए एक बेहतर विकल्प है। और विकल्प क्या है आपका कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जो है आरक्षी पदों पे, जिसको कांस्टेबल आप बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, इस पे एक बड़ी भर्ती करने जा रहा है जिसमें 26,000 प्लस पद हैं। और इसमें सिविल पुलिस के पद हैं, थोड़े नाम मात्र के पद आपके फायर ब्रिगेड से भी जुड़े हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ज्वाइन करने का एक बेहतर विकल्प है। हाँ, सवाल ये उठता है कि वीडियो बना करके ये जानकारी मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, तो मैं पहले अपने बारे में बता दूं कि जब आपका भर्ती बोर्ड बना 2008 में, उससे पहले आरक्षी भर्ती परीक्षा के लिए या उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए कोई भी स्थायी बोर्ड नहीं हुआ करता था। भर्ती हो जाती थी, अस्थायी बोर्ड होता था और निरस्त हो जाता था। कांस्टेबल की भर्ती के लिए पुलिस अधीक्षक के अंडर में जिले वाइज बोर्ड बनाए जाते थे और जैसे ही भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होती थी तो बोर्ड निरस्त हो जाता था। 2008 में बीएसपी गवर्नमेंट का शासन था, उस समय एक स्थायी भर्ती बोर्ड बनाया गया जिसे नाम दिया गया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। तो 2008 में भर्ती बोर्ड का गठन होता है और 9 से इसने काम करना शुरू किया। 9 में पहली बार आरक्षी भर्ती परीक्षा के लिए 35,000 आवेदन मांगे गए थे। अच्छा, मेरे साथ क्या है कि जब से ये भर्ती बोर्ड बना है तब से जितनी भी परीक्षाएँ इसने कराई, चाहे वो सीधी भर्ती परीक्षा हो या विभागीय हो, मैंने सबके लिए क्लास दिया है और एक बेहतर रिजल्ट रहा है हमेशा। यानी स्पेशली यूपी पुलिस के लिए पढ़ाता रहा हूँ, रैंकर में भी और सीधी भर्ती परीक्षा में भी। इसी के साथ साथ आप में से काफ़ी लोगों को जानकारी होगा कि पुलिस की जो महिला हेल्पलाइन 1090 सर्विस है, वहाँ पे एज ए गेस्ट टीचर भी मैं क्लास ले चुका हूँ। तो इस अनुभव और इस लंबे एक अध्ययन के बाद जो है एक रणनीति के बारे में बात करने के लिए आपसे ये वीडियो मैंने बनाया है कि आप अभी अभी 18 प्लस एज हुई है, एकेडमिक परीक्षा को पास करके आए हैं, फर्स्ट टाइम कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं, तो क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से तैयारी करें ताकि परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें और अंतिम रूप से चयनित आप हो सकें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर ये 26,000 वैकेंसियाँ हो या कुछ भी वैकेंसी हो, आवेदन सभी बच्चे करते हैं, 26,000 प्लस अगर फॉर्म निकलते हैं तो लगभग 20 लाख लोग इसमें अप्लाई करते हैं। अब 20 लाख लोग अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है सभी बच्चा चाहता है कि हम भर्ती हों, इसीलिए वो फॉर्म भर रहा है। लेकिन 26,000 को अगर 20 लाख से निकाल दिया जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना व्यक्ति इसमें बाहर हो जाता है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि इस परीक्षा में जो ये परीक्षा पैटर्न है जिसमें मेंटल एंड फिजिकल दोनों तरह से कंप्लीट होना चाहिए, आपको मानसिक रूप से भी मजबूत होने की जरूरत है और फिजिकली मेजरमेंट और दोनों दक्षता परीक्षा हो गया या मेजरमेंट दोनों में आपको कंप्लीट होना चाहिए, तो अगर इन मानकों को पूरा करते हुए अगर देखा जाए तो केवल 5% ऐसे बच्चे होते हैं जो गंभीर हैं और जो फाइट में हैं। इसके अलावा बस फॉर्म डाल रखा है, कोई मतलब नहीं होता है। यानी यहाँ पे 19 लाख बच्चे जो है वो कभी भी फाइट में होते ही नहीं, 1 लाख बच्चे जो है यानी 5% जो कि इस भर्ती परीक्षा को लेकर के सीरियस होते हैं और वो फाइट में होते हैं। तो फाइट में आने के लिए आपको एक बेहतर रणनीति अपनानी पड़ेगी, बेहतर प्रोसेस को लेकर के चलना पड़ेगा। करना क्या आपको है,
क्योंकि अनुभव नहीं होता है। और अनुभव के आधार पे खास करके जनरल कैंडिडेट की बात की जाए तो 18 से सिर्फ 22 एज होती है, और हो सकता है कि अगर एक चांस उनका स्लिप कर जाए तो दोबारा मौका ही ना मिले। तो आपका एक चांस आखिरी चांस हो तो इसके लिए क्या बेहतर रणनीति होगी, कैसे आप तैयारी करेंगे? पहली चीज़, अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें आपको बदलनी होंगी। मैं यहाँ से शुरू करूँगा। 18 साल आपकी आयु कंप्लीट हो चुकी है। जो संभावना है मांगे जाने की वो है 1 जुलाई 2022, यानी 1 जुलाई 2022 को 18 कंप्लीट कर लिया हो आपने। बाकी कैटेगरी वाइज है, अगर आप जनरल होंगे तो 22 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, अगर ओबीसी एससी है तो 27 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। फीमेल की बात करें तो जनरल में फीमेल की 25 से ऊपर नहीं होनी चाहिए और ओबीसी एससी में 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो पहले आप ये चेक करें अपना, क्योंकि इफ बट कुछ नहीं होता है। आप कह दें कि अरे दो ही दिन तो कम है, दो दिन नहीं, अगर दो घंटा भी कुछ चीज़ में कम है तब भी नहीं माना जाएगा। यानी यहाँ पे एक्यूरेसी मेंटेन करना है। दूसरी चीज़, इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पे नोट करें, आप साइंस में इंटरमीडिएट हैं, आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, एग्रीकल्चर में है, एक्सवाइडेड किसी में है, कोई मतलब नहीं है। कितने परसेंट मार्क्स हैं इससे भी कोई मतलब नहीं है। आपकी न्यूनतम जो योग्यता है वो इंटरमीडिएट है और ये अनिवार्य योग्यता है। आप केवल इंटरमीडिएट क्वालिफाई है, बस इतना पर्याप्त है। एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर करेंगे कि दो तरह की योग्यताएं होती हैं, एक अनिवार्य होती है, दूसरी अधिमानी होती है। अधिमानी अर्हता जो होती है उसमें केवल ये है कि जैसे एनसीसी का सर्टिफिकेट बी रखा गया है या प्रादेशिक सेवा में आपने काम किया है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये अनिवार्य योग्यता में नहीं है, आपके चयन का आधार ये नहीं है, लेकिन अगर एक ही मार्क्स पे दो व्यक्ति आ जाते हैं साथ साथ में, तो जिसके पास अधिमानी अर्हता है, जैसे कंप्यूटर का लगा रखा है, एनसीसी का लगा रखा है या प्रादेशिक सेना में काम करने का सर्टिफिकेट उसके पास है, तो फिर उसे वरीयता दी जाएगी। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है तो मेंशन जरूर आप करेंगे, लेकिन वो ध्यान रखिएगा अधिमानी अर्हता है, उसके कोई अंक या मार्क्स नहीं है। तो अनिवार्य योग्यता इंटरमीडिएट है। इन एनी स्ट्रीम, एनी डिवीजन, एनी मार्क्स, केवल क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ये पुरुषों की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर। अब अगर आपकी ऊंचाई दशमलव में भी कम है, यानी 2 mm भी कम है ना, तो पहली चीज़ कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है, शायद और अरे नहीं होता है, आप किसी और क्षेत्र में प्रयास करिए, आपके लिए ये भर्ती नहीं है। आप निश्चित रूप से बाहर कर दिए जाएंगे, इसमें इफ वट होता ही नहीं है। यानी ऊंचाई में मेज़रमेंट में 1% ना तो धांधली होती है और ना ही कोई कर सकता है। अगर पुलिस परिवार से कोई है और कहीं से सिफारिश करता है तब भी कुछ भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये मेजरमेंट जो हाइट का है इसे छिपाया नहीं जा सकता है। दूसरी चीज, अगर कोई सलाह देता है कि ऐसी मेडिसिन्स आती हैं जिससे हाइट गेन कर सकती है, बढ़ सकती है, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप 18+ हो गए हो और आपकी एज जो है वो मैच्योरिटी में आ गई है, यहाँ पे बॉडी, ह्यूमन बॉडी की जो ग्रोथ प्लेट होती है वो डेड हो चुकी होती है, कोई भी हाइट नहीं बढ़ेगी। और ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जिससे हाइट बढ़ जाए, ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जिससे 4-6 महीने में आपकी हाइट बढ़ जाए। यानी अनावश्यक अपने आप को मानसिक तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं, आप और बेहतर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जिनकी हाइट कंप्लीट है, उसके बाद अगर पुरुष हैं तो उनका चेस्ट का मेजरमेंट होता है 79-84 होता है, ये विदाउट एक्सटेंशन है और ये एक्सटेंशन के साथ है। महिलाओं में चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है, महिलाओं में वेट देखा जाता है जो कि 40+ kg में होना चाहिए। यानी यहाँ पे लोअर वेट अलाउ नहीं है और अपर वेट की कोई सीमा नहीं है। तो लोअर वेट इससे कम नहीं होना चाहिए, अपर वेट कोई भी है तो चल जाएगा। आपको बताएं 2009 में जो नोटिफिकेशन आरक्षी का जारी किया गया था उसमें महिलाओं का जो वेट था वो 45-58 kg था। यानी 45 से कम नहीं होना चाहिए और 58 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ओवर वेट में भी काफ़ी बच्चे निकल गए थे। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं।
और इसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं होता। हाँ, जिसका अगर चेस्ट कम है ये बढ़ाया जा सकता है, वेट कम है महिलाओं का तो ये बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाइट ये इस एज में कतई नहीं बढ़ेगी। कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है, तो अनावश्यक गुमराह मत हो और अपनी बॉडी को हार्म ना पहुंचाएं किसी मेडिसिन की वजह से या अन्य किसी गलत एक्सरसाइज गलत तरीके की वजह से। यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है, यही अंतिम सत्य है और इसको स्वीकार कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। अन्य फील्ड में आप काम करिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं, इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, 18 प्लस आपकी एज हो चुकी है, यानी अब एक आप बेहतर दावेदार हैं, एक बेहतर अभ्यर्थी हैं। इसके आगे की क्या रणनीति होगी ये इम्पॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, बच्चे 18 प्लस के हैं, अभी इंटरमीडिएट किया है या ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं, उन्होंने ना के बराबर दी होती हैं। कुछ बच्चे हैं, हो सकता है एक आध कोई दिए हों, कुछ हो ना पहली बार आ रहे हों, तो आपको ये बता दें कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं और एकेडमिक होती है, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। दोनों के पेपर सेटर होते हैं, दोनों के एग्जामिनर हैं। आपको मालूम है कि जो एकेडमिक परीक्षा में पेपर बनाता है, उनको स्पष्ट और साफ निर्देश होता है कि सर पेपर ऐसा बनाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो जाएं। क्यों? क्योंकि वहाँ पास करना है, क्वालिफाई करना है, और सब पास हो गए तो बड़ी अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ हमें पास नहीं करना है, हमें 20 लाख में से 26,000 को सेलेक्ट करना है। तो हम कहते हैं सर पेपर ऐसा बनाइएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फेल हो जाए। तो दोनों एग्ज़ाम में अंतर होता है, दोनों के पेपर सेटर और एग्जामिनर में अंतर होता है। यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, यानी एक बेहतर अगर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, निर्णायक क्षमता अच्छी आपकी नहीं है, एट ए टाइम निर्णय लेने की कैपेसिटी नहीं है, तो विद इन टाइम पेपर नहीं हो पाता है, यही सच्चाई है। अच्छा, दूसरी चीज़, स्पीड बढ़ाएंगे तो पेपर विद इन टाइम हो जाएगा, ये सत्य है, लेकिन क्या स्पीड आपके पेन तेज चलाने से या जल्दी जल्दी करने से क्वेश्चन हो जाएगा? ऐसा नहीं है। अगर आप तरीका चेंज कर लेंगे तो निश्चित रूप से, जैसे मैथ की अगर बात की जाए, तो मैथ में अगर हम जिस तरह से हमें पढ़ाया जाता है और जैसा हम सीखते हैं, एज इट इज़ जाकर के एग्ज़ाम में हम अप्लाई करेंगे तो 2 से 3 मिनट हर प्रश्न में लगता है, और अगर 35-40 क्वेश्चन आप मैथ के कर रहे हैं तो पूरा 2 घंटे समय बीत जाएगा। इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है, ऐसा कोई तरीका होगा, ऐसी कोई रणनीति होगी जिससे हम विद इन टाइम पेपर कर सकते हैं और बच्चे कर रहे हैं। तो उस रणनीति को अपनाने के लिए आपको क्या करना होगा और कैसे तैयारी करनी होगी, ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करें कि जब बच्चे नई नई तैयारी शुरू करते हैं और फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं, तो हमारी मार्केट जो है किताबों से बिल्कुल पटी पड़ी हुई है। आरक्षी भर्ती परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, कुछ फिल्म अभिनेता जो जिन्होंने अपना रोल किया है पुलिसकर्मी का, उनकी तस्वीरों को छापकर और अट्रैक्ट जिल्द के साथ बढ़िया से किताबें मार्केट में उतार देते हैं। जो गंभीर बच्चे होते हैं वो ऐसी कोई भी किताब नहीं पढ़ते हैं, ऐसी किसी भी किताब की ज़रूरत नहीं है आपको। दूसरा पॉइंट, कोई कोर्स स्पेशली लॉन्च किया गया कि नए नाम दे करके ये कोर्स वो कोर्स, तो गंभीर बच्चों को इसकी ज़रूरत ही नहीं होती है, और अगर वो इससे आकर्षित होते हैं तो निश्चित रूप से वो इस 1 लाख का हिस्सा नहीं है। अगर हम मार्केट से कांस्टेबल छपी किताब लेकर के घूमने लगे और उसी को पढ़ करके सोचते हैं कि हम पेपर कर लेंगे और पास हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनको रिप्लेस करने के लिए 19 लाख से हट करके 1 लाख के अंदर आना, 1 लाख से हट करके 26,000 के अंदर आने का मतलब ही है कि वो किताबें अट्रैक्शन नहीं करनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हम तैयारी कैसे करें, क्या करेंगे हम? तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का, चूंकि ये पिछली ही गाइडलाइन जो थी, नियमावली जो थी, उसी आधार पे होगी, जैसे आपका 18, 19, 20 में जो एग्ज़ाम हुए उसी बेसिस पे ये एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले भर्ती बोर्ड का जो अधिकृत पाठ्यक्रम है आप उसको उठाइए। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वेबसाइट है उसको आप सेव कर लीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से कलेक्ट किया करिए। किसी भी सोशल मीडिया और यूट्यूब की भ्रामक जानकारी से बचें, वहाँ आपको हो सकता है कि गुमराह करा जाए और उससे आप अपना लॉस कर लें। तो स्पेशली आप सीधा भर्ती बोर्ड की साइट पे जाइए, 2 घंटे देर से आपको कोई जानकारी मिलेगी, लेकिन सटीक और सही जानकारी मिलेगी और इसका विश्लेषण आप खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप
जो भी आपकी किताबें हैं इस तरह की, भाई सब अपना अपना बिजनेस कर रहा है, सबको मार्केटिंग करनी है और अवसर है सबके लिए, उसको आप छोड़ दीजिए, उससे आपको मतलब नहीं है। सबसे पहली चीज, आप भर्ती बोर्ड की साइट से जो पाठ्यक्रम है आप उसको उठाइए, और पाठ्यक्रम को उठाने के बाद उन्हें सेक्शन और सब सेक्शन में डिवाइड कर दीजिए। जैसे आपके सेक्शन क्या हो गए कि पहला हो गया सामान्य ज्ञान समसामयिकी का हो गया, दूसरा आपका हो गया आंकिक योग्यता का, मानसिक क्षमता का हो गया, फिर तर्क शक्ति का हो गया और हिंदी का हो गया। तो सारे आप टॉपिक को जो है अलग अलग लिख लेंगे, उसके बाद इसके सब टॉपिक लिखना शुरू करेंगे। मान लीजिए हम हिंदी को लेते हैं, तो हिंदी में एक शब्द छोटा सा भी पर्यायवाची, तो पर्यायवाची लिख लिया, विलोम लिख लिया, तद्भव तत्सम लिख लिया, अलंकार छंद दोहा एक उदाहरण के तौर पे आप लिखते चले गए। संविधान और राज्य व्यवस्था लिखा था, तो संविधान राज्य व्यवस्था लिखने के बाद उनके टॉपिक लिखते चले गए। अब होता क्या है कि हमारे पास चार सेक्शन नहीं बल्कि कम से कम 50, 60, 70 एक एक सेक्शन में टॉपिक बन गए। अब उसके बाद मूल्यांकन करते हैं कि इस टॉपिक पे हमने पहले क्या पढ़ रखा है। मान लीजिए संविधान हम देख रहे हैं, और संविधान में क्या क्या चीज़ें हमने प्रीवियस में पढ़ रखी हैं और क्या क्या नहीं पढ़ा, क्या हमारे लिए नया है क्या पुराना है। कम से कम एक हफ्ते तक हम पाठ्यक्रम का बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देते हैं, एक एक चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। उसके बाद अगला जो हफ्ता हमारा होगा वो होगा प्रीवियस पेपर का कलेक्शन और उनका अवलोकन, यानी अब तक इस भर्ती बोर्ड ने इस नियमावली के आधार पे जितनी भी आरक्षी भर्ती परीक्षा कराई हैं उनका पेपर कलेक्ट करेंगे, और पेपर कलेक्ट करने के बाद पाठ्यक्रम और पेपर दोनों पर गहन अध्ययन करेंगे। इस तरह से लगभग एक महीना समय हम इस चीज़ पे देंगे, और उसके बाद फिर हम टॉपिक वाइज मैटर कलेक्ट करेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे और काम करेंगे। जब आप टॉपिक वाइज काम करेंगे क्वेश्चन नहीं स्लिप करेगा, क्वेश्चन तब स्लिप करता है जब आप ऑब्जेक्टिव किताब इधर उधर से उठा करके पढ़ते हैं या आप लापरवाही से उसको सुनते और देखते हैं। आप टॉपिक वाइज मैटर इकट्ठा करिए, उस पर काम करिए, नोट्स बनाइए, नोट्स के आगे आप स्पेस छोड़िए और टाइम टू टाइम उसको रिच करते रहिए। जैसे अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल की, तो यूपी स्पेशल से यूपी पुलिस कांस्टेबल में 8 से 10 प्रश्न हमेशा से पूछे जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है, यानी जियोग्राफिकल कंडीशन उत्तर प्रदेश की क्या है, कहाँ पर है उत्तर प्रदेश, कहाँ अवस्थित है, इन चीज़ों को समझेंगे। फिर फिजिकल डिविज़न क्या है, भौतिक विभाजन क्या है, उसके बाद क्रम से चलेंगे कि उत्तर प्रदेश में साहित्य क्या है, संस्कृति क्या है, यहाँ पे हमारे खनिज संसाधन क्या है, यातायात यहाँ पे क्या है, शैक्षणिक व्यवस्था यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश का और प्राचीन हिस्ट्री क्या रही है, या स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है, तो इस तरह से, या उत्तर प्रदेश की ऐसी कोई पर्सनैलिटी जो इंटरनेशनल स्तर पे काम कर रही हो, उत्तर प्रदेश की विधानसभा, विधान परिषद, अन्य चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल से और डीपली जब पढ़ेंगे। आप पूछिए सवाल, कहीं से भी पूछिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन पता चला कि हमने ऑब्जेक्टिव कहीं से पढ़ रखे हैं तो उससे क्या होता है, कभी तो हम कर लेते हैं कभी नहीं कर पाते। तो मेरा सिर्फ परामर्श आपको ये है, क्योंकि हमें अपने 10 से 12 साल के करियर में जिसमें हमने यूपी पुलिस के लिए पढ़ाया है, अनुभव ये हुआ है कि अगर पाठ्यक्रम और पेपर का विश्लेषण अच्छे से कर ले तो कम से कम आप उन किताबों के पीछे नहीं भागेंगे, अनावश्यक चीज़ों से गुमराह नहीं होंगे, डीपली स्टडी करेंगे, और इस स्टडी के बाद जो मॉक टेस्ट होता है, स्पीड टेस्ट जो होते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर किसी चीज़ का ज्ञान होना, नॉलेज होना आना एक पक्ष है, तो उसका प्रदर्शन करना दूसरा पक्ष है। यानी प्रदर्शन करने के लिए स्पीड टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10 से 12, बहुत ज़्यादा की बात नहीं करता हूँ, गंभीर होकर, सीरियस होकर, एज एग्ज़ाम 10 से 12 स्पीड टेस्ट आप देते हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर कर पाएंगे, और आप इस 1 लाख में और फिर इस 26,000 में जगह बना पाएंगे। यहाँ पे आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, भीड़ से बाहर आने के लिए आपको अलग करना होगा। आपको एक कांस्टेबल छपी किताब लेकर के अगर घूमते हैं तो निश्चित रूप से आप यहाँ और यहाँ का हिस्सा नहीं है। तो टॉपिक वाइज मैटर कलेक्ट करिए, स्रोत कोई भी हो सकता है, स्रोत कोई भी हो सकता है, वो बुक भी हो सकती है,
कोई चैनल भी हो सकता है, कहीं भी कोई अच्छी चीज़ पढ़ा रहा है, कलेक्ट करिए। कलेक्ट करने के बाद खुद विश्लेषण करिए। और विश्लेषण कैसे करेंगे, पाठ्यक्रम और प्रीवियस पेपर आपने देख रखा है ना, चीज़ों को आप समझें, क्योंकि पेपर आपको देना है। जो व्यक्ति आपको बता रहा है पेपर वो नहीं देने जाएगा। हो सकता है कि उसकी क्षमता और प्रदर्शन करने का तरीका अलग हो, आपकी क्षमता और प्रदर्शन का तरीका अलग हो। तो सुन करके सारी बातें अपना नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बनाने के बाद आप उस स्टेज पे पहुँचे कि मुझे एग्ज़ाम में क्या करना है, मैं कैसे एग्ज़ाम कर पाऊँगा, और जो आपने रणनीति बनाई है इसका प्रयोग करेंगे स्पीड टेस्ट में। स्टेप टू स्टेप, फर्स्ट स्पीड टेस्ट आप देते हैं, 30% नंबर आते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 25% माइनस मार्किंग अप्लाई है, तो उसके साथ कैसे संतुलन बिठाएंगे। नेक्स्ट स्पीड टेस्ट देते हैं, 35% आता है, 40% आता है, 45% आता है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि हमारे अंदर स्टेबिलिटी आने लगती है, और फिर क्या होता है कि साहब अगर पेपर ख़राब भी हो जाए तब भी हम 65% मार्क्स, 70% मार्क्स ले आएंगे। और ये वो क्राइटेरिया है कि जहाँ पर आपका चयन हो जाएगा। तो आप एक रणनीति के तहत तैयारी करिए, और आपके सुझाव के लिए मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।